رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زد لي علما. الحمد لله من سورة الرحمن نمبر 55 की आयत नंबर 50 यानी 50 तक पढ़ चुके हैं, अब इंशाल्लाह 51 से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 51 फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान, यानी इस सूरत में देख रहे हैं आप लोग शुरू से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की नियमतों का जिक्र करवा रहे हैं, और अल्लाह की नियमतों में से क्या है, जन्नत और जहन्नम है, और तौहीद की दौलत है, और शिर्क से बचना ये भी अल्लाह की नियमतों में से है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले यानी जहन्नम का भी तस्करा किया जो शिर्क पर गामजन है उनके लिए, और आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी नियमतें बताते हुए जन्नत का भी तस्करा कर रहा है। अभी वही तस्करा चल रहा है, इन्ना इन्ना तजरियान, जो हम पिछले आज पढ़े उसके बाद फिर ये अलाई रब्बी कुमार तो कहती बार, अब फिर वही फिहिमा कुल साकी हतिन जवजान, फिहिमा उन दोनों में, यहाँ पर जन्नतान जो कहा, तजरियान सॉरी, पहले जन्नतान है उसके बाद अफनान है फिर तजरियान है और अब है जवजान, उन दोनों में, फी हिमा उन दोनों में, मैं कुल्ली हर किस्म के फलों से है, यानी हर किस्म के फल हैं, जवजान दो किस्म के, ठीक है, यानी दो किस्में होंगी, हर फल की दो किस्में होंगी, जवजान जोड़े को कहा जाता है, इसलिए शोहर बीवी का जो ताल्लुक है उसको भी जौज कहते हैं। तो इसके कई मतलब लिए जा सकते हैं, मुफस्सिर लिखते हैं कि इसके कई मतलब लिए जा सकते हैं, मसलन एक ये कि एक बाग के फलों का रंग, एक बाग के फलों का रंग, जायका और खुशबू दूसरे बाग के फलों से बिल्कुल जुदागाना होगा यानी अलग होगा, और दूसरा ये कि शक्ल सूरत और रंग वो एक जैसे होने के बावजूद उनके जायके अलग अलग होंगे। पहला मतलब क्या हो गया, एक बाग के फलों का, उसके बाद यानी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि फीहिमा यानी जन्नतान जो कहा, दो जन्नतें दी जाएगी, तो उसका तस्करा हो रहा है, तो उसमें उन दोनों में फीहिमा, हिमा हिमा जमीर जो है वो जन्नतान की तरफ है, तो यहाँ पर वही बता रहा है कि उन दोनों में हर किस्म की यानी दो किस्म के फल होंगे, हर फल की दो किस्में होंगी, ठीक है, हर फल की दो किस्में होंगी। तो एक तो मुफस्सिर क्या लिखते हैं कि मसलन एक ये कि एक बाग के फलों का रंग दूसरे बाग के फलों के रंग से, जायका खुशबू और जो भी चीजें हैं वो अलग होगी, दूसरा ये कि शक्ल सूरत के और रंग वो के इतबार से दूसरे बाग के रंग वो जायका अलग अलग होंगे, और तीसरा ये कि एक बाग के फलों से तो अहले जन्नत मुतआरिफ होंगे, उसको जानेंगे, और दूसरे बाग के फल उनके वहम गुमान में भी ना आने पाएंगे, ठीक है। तो ये तीन मतलब हो सकते हैं, वल्लाहु आलम, मुफस्सिर लिखते हैं। फिर आगे देखें, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी भी नियमतें जो दी हैं हमको, अगर लेकिन इसके लिए शर्त क्या है, तौहीद है, शर्त बयान की तौहीद, और अल्लाह अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर, उसके बाद सहाबा मनहज सलफ पर होना ये लाजिम है, मनहज सलफ पर, हाँ कामजन जो होगा मनहज सलफ पर जो कायम होगा उसके लिए ये तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताई है। फिर आगे सब यही आला इन नियमतों के बताने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाल अंदाज में सवाल करता है कि तुम अपने रब की कौन सी नियमतों को झुठलाओगे, कौन कौन सी नियमतों को झुठलाओगे। متكئين متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، متكئين تكيه لغاية हुए होंगे, तकिए लगाए हुए होंगे, अला फुरुश ऐसे फर्शों पर, अला फुरुश अला फुरुश ऐसे फर्शों पर, बतवाइनहा उनके अस्तर, अस्तर ठीक है, उनके अस्तर, मिन इस्तिबरक
मिन इस्तिबराख मोटे ताफतें के होंगे, ठीक है, वह जनल जन नतैनी और फल दोनों बागों के, या फिर फल तोड़ेंगे दोनों बागों के, दान खरीब खरीब होंगे जो झुके हुए होंगे, दोनों माने ले सकते हैं, दान के माने झुके हुए होंगे या फिर खरीब खरीब होंगे, यानी जन्नती लोग ऐसे बिछोने पर, फुरुशिन जो कहा, बिछोनों पर तकिया लगाए होंगे जिनके अस्तर मोटे रेशम के होंगे, ठीक है, ताफ्ता ताफ्ते जो कहा जाता है, वो इस्तिबरक का माना रेशम भी लिया गया और मुलायम कपड़ा भी लिया गया, इस तरह के बहुत से माने हैं इस्तिबरक के, तो मोटे रेशम के होंगे और उन दोनों बागों के पके हुए फल लटक रहे होंगे, ठीक है, यानी करीब करीब होंगे, तोड़ने के लिए आसान होंगे, पके हुए फल लटक रहे होंगे, जन्नतैनी और फल दोनों बागों के, वह जनल जन्नतैनी क्या माना है, जना जन्नतैन और फल दोनों बागों के, जना यानी लटके हुए होंगे, करीब करीब होंगे, झुके हुए होंगे, दान के माने हैं झुके हुए होंगे, मुझसे इन आयत में इन आयात में अहले जन्नत पर अल्लाह के इनामात का जिक्र है, यानी जिन बिछौनों पर वो तकिया लगाकर बैठा करेंगे उनका अस्तर तो मोटे रेशम का होगा और अब्रह तो बहरहाल उससे भी बेहतर ही कोई कपड़ा होगा, जिसका वजूद यानी अंदर का अस्तर तो रेशम से होगा लेकिन उसका बाहरी हिस्सा ऊपरी हिस्सा और भी बेहतर होगा, जिसका वजूद गालिबन इस दुनिया में नहीं पाया जाता है, अल्लाह, ये बिछोने उन्हें बागों में होंगे, उन्हीं बागों में होंगे जो उनकी अपनी जाती खियामगाहें होंगी, उनकी अपनी जाती खियामगाहें जिन जहां पर वो ठहरेंगे रुकेंगे जो भी करेंगे, और उनके बागों के फल इतने झुके हुए होंगे कि जब चाहे और जो चाहे जो फल चाहे उसी वक्त हाथ से पकड़कर तोड़ लें और उसे खा लें। फिर आगे आयत नंबर 55, फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान, बस तुम अपने रब की किन किन नियमतों को छुपलाओगे, फिहिन्न खासिरात الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان, उन बागों में देखिए, फिहिन्न उनमें होंगी, खासिरात الطرف झुकाने वालियां, खासिरात कहते हैं झुकाने वालियां, खासिरात झुकाने वालियां, तर्फ निगाहें निगाहों को निगाहें, या फिर लम यतमिथुन नहीं छुआ होगा उनको, इंसुन किसी इंसान ने, कबलहुम उनसे पहले, वला जान और ना ही किसी जिन ने, लम यतमिथुन तो मसा पकड़ना छूना, तो ना छिया होगा ना छुआ होगा उनको किसी इंसान ने उनसे पहले, कबलहुम उनसे पहले, वला जान और ना ही किसी जिन ने, यानी उन बागों में निगाह नीचे रखने वाली औरतें होंगी, देखिए सुभान अल्लाह, उन बागों में, यहाँ पर औरत के लिए एक बहुत बेहतरीन नसीहत है, ये बात मैं मेरी तरफ से कह रही हूँ, क्योंकि औरत की जो तारीफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने की इसमें, कि निगाह नीचे रखने वाली औरत की इज्जत के मुतालिक ये आयत है, बाहों में निगाह नीचे रखने वाली औरतें होंगी, यानी ये एक ऐसी क्वालिटी है औरत की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में ऐसी क्वालिटी की औरतों को रखा और उसकी तारीफ भी कुरान में की, औरतें ऐसी होनी चाहिए, उन बागों में निगाह नीचे रखने वाली औरतें होंगी जिन्हें उससे पहले किसी इंसान या जिन ने छुआ तक ना होगा,
उन जन्नत की औरतों की अव्वलीन और अहम सिफत ये होगी कि वह शर्मीली और हयादार होंगी, अपने शोहरों के सिवा किसी दूसरे को देखने की कोशिश ना करेंगी। इंतहाई खूबसूरत होने के बावजूद दुनिया की औरतों की तरह अपने चाहने वालों से आंखें ही आंखों में इशारे करने वाली नहीं होंगी, और उनके दूसरी सिफत ये होगी कि वो बाकेरा या कुंवारी होंगी, उनको कोई छुआ हुआ ना होगा। अहले जन्नत को हूरों के अलावा जो औरतें मिलेंगी वो वही होंगी जो इस दुनिया में उनकी बीवियां थी। अगर वो इस दुनिया में साहिबा औलाद थी या बूढ़ी हो चुकी थी, तब भी उन्हें नौखैज और कुंवारी बनाकर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इस आयत से ये भी मालूम हुआ कि जिनों में भी तवालुद और तनासुल का सिलसिला मौजूद है, जिनों में भी है औलाद का, बच्चों का और नस्ल का जो सिलसिला है उनमें भी मौजूद है, और मोमिन जिन जो जन्नत में दाखिल होंगे उनको भी नौकायाज कुंवारी बनाकर, कुंवारी बनाकर ही उनकी दुनिया की बीवियां अदा की जाएंगी। ये जिनों के लिए भी है और इंसानों के लिए भी है। ये नेमत यानी हर नेमत यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन और इंसान के लिए रखा है जजा वसुजा, तो उन दोनों के लिए, दोनों मखलूकात के लिए भी जजा और सजा होगी, दोनों के लिए जन्नत और जहन्नम दोनों। आगे 57 आयत नंबर फदिया को मैं तो कर दी बात, बस तुम अपने परवरदिगार की किन किन नियामतों को जुटलाओगे। कअन्नहुन्न अल्याकूत वल्मरजान, कअन्नहुन्न गोया के वो, हुन्ना जमीर पिछली आयत आयत की तरह, फीहिन्न फासिरात तर्फ यानी वो औरतें जो निगाह झुकाई हुई होंगी उनकी तरफ, हुन्ना जमीर कअन्नहुन्न गोया के वो याकूत है, वल्मरजान और मोती है यानी याकूत हीरे, हीरे के माने में आएगा, याकूत हीरा है, वो ऐसी होंगी जैसे हीरे और मोती। ये उन औरतों की तीसरी सिफत है, दो सिफतें पहले बयान हो चुकी, ये उन औरतों की तीसरी सिफत है जो कई सिफात का मजमुआ है। मसलन वो इतनी खूबसूरत और दिलकश होंगी जैसे याकूत और मरजान, या वो इतनी आब बताब वाली और साफ और शफाफ होंगी जैसे याकूत और मरजान होते हैं, या वो इतनी साफ सुथरी होंगी कि हाथ लगाने से भी मैली हो रही होंगी, यानी इतनी यानी उनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिफात रखी है सुभान अल्लाह। फिर 59 आयत नंबर फबीज रब को मैं तो कर दूंगा, तो अपने रब की नियामतों बस तुम अपने रब की किन किन नियामतों को झुठलाओगे। हल जजा उल एहसान इल्ल अल एहसान, हल क्या जजाऊ बदला है एहसान एहसान का इल्ल अल एहसान सिवाय एहसान के कुछ और है, ऐसा सवाली अंदाज है। क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ और भी हो सकता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर कह रहा है एहसान का बदला पहले एहसान से मुराद अहले जन्नत के वो नेक आमाल है जो वो दुनिया में सर अंजाम देते हैं, ठीक है, और दूसरे एहसान से मुराद जन्नत की वो नेमतें हैं जिनका जिक्र हो रहा है शुरू से यहाँ तक जितना भी जिक्र हुआ ये सब। इस आयत का तर्जुमा सवालिया सफर सवालिया अंदाज की शक्ल में लिखा गया, इसका दूसरा तर्जुमा ये भी हो सकता है नहीं बदला एहसान का मगर एहसान, ठीक है, यानी एहसान का बदला एहसान ही हो सकता है, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एहसान किया उन पर जो उन्होंने दुनिया में नेक अमाल किए थे रब्बुल आलमीन के लिए, ठीक है। तो हमारे अमाल में इखलास होना चाहिए, हमारे अमाल में खुलूसुल्लाहियत होना चाहिए, और हमारे अमाल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए होने चाहिए, और उस अमाल में इखलास जरूरी है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो वहदानियत है हमको मुवहिद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत, अल्लाह के लिए कोई भी शिर्क और बिदत को छोड़ने के लिए तैयार, सिर्फ रब्बुल आलमीन के लिए जीना और उसके लिए मरना, उसी के लिए मोहब्बत उसी के लिए नफरत, ये तमाम चीजें अगर हम में जमा हो जाएं
तो हो सकता है ये नियमतों से हम आरास्ता हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हो गई आयतें 60, और ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.